हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे किस तरह से आप मॉल 91 का विड्रो अवेलेबल बैलेंस को यूपीआई में विड्रो लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है मॉल 91 में विड्रो करने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, लाइक पेटीएम, यूपीआई बैंक, मॉल 91, गोल्ड 91। तो बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी मैं बना के दिया था मॉल 91 के बारे में, उसके अंदर एक वीडियो में बता दिया था कि मॉल 91 क्या है, कैसे यूज करें, एंड पेटीएम से किस तरह से आप उस ऊपर से विड्रो कर सकते हो। सो फ्रेंड, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर में आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। एंड उसी वीडियो में मेरा एक सब्सक्राइबर भी कमेंट किया था, जिससे बोला था सर आप यूपीआई के बारे में बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास एक यूपीआई आईडी है बट उसको यूज करना मुझे नहीं आता है। तो आप ये बता दीजिए सर जी, यूपीआई में किस तरह से मॉल 91 में विड्रो कर सकते हो। सो फ्रेंड, आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर, जो यूपीआई आईडी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक पता नहीं यूपीआई क्या है, तो उसके बारे में मैं छोटा सा नॉलेज दे दूंगा, साथ में यूपीआई को यूज कैसे करना है वो भी बता दूंगा, और पेटीएम में सॉरी मॉल 91 का पैसा किस तरह से आप यूपीआई में विड्रॉ करोगी, उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कितना टाइम में आएगा बैंक में पैसा, सबका इसका इस वीडियो के आपको बता दूंगा। सो फ्रेंड, अगर आप मॉल 91 यूजर्स हो तो मॉल 91 के बारे में आपका पूरा की पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो आपको रिक्वेस्ट होगा इस वीडियो को एंड तक देखते रहे, एंड इस वीडियो को आपका टीम के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका टीम ग्रो करेगा मतलब आपको भी ग्रो हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आप मेरा चैनल में पहली बार विजिट किया था, अगर आपको पता नहीं है मॉल 91 क्या है, कैसे आपको यूज करना है, तो अभी के अभी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे इस ऐप का डाउनलोड लिंक दे दूंगा, साथ में एक रेफर कोड भी दे दूंगा, लिंक से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, साथ में उस रेफर कोड से साइन अप कर दीजिए, और जो रेफर कोड इस स्क्रीन पे आ रहा है तो इस रेफर कोड से आप साइन अप कर लीजिए, इंस्टेंट आपका पेमेंट भी मिल जाएगा, उस पैसे का पेटीएम में विड्रो लगा सकते हो। बट वहाँ पे ज्यादा अर्निंग कैसे करना है, कैसे मॉल 91 में पैसा का विड्रो करना है, उसका भी ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अब मेरा चैनल पे है, मेरा चैनल को चेकआउट करके आप देख सकते हो। और कोई भी ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो कौन सा आप देखना पसंद है, तो अभी के अभी वीडियो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर अगले वीडियो पब्लिश करूंगा। सो फ्रेंड, यूपीआई बहुत ही एक सेफली मेथड है, जहाँ पे आप ऑल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो यूपीआई का बहुत सारा आईडीज भी होता है, आप कस्टम आईडी भी कर सकते हो, आप कंपनी द्वारा एक आईडी भी आप ले सकते हो, अगर आप गूगल पे एंड फोन पे या बहुत सारा ऐसा भी वॉलेट है जो आपको साथ बैंक के साथ कनेक्ट होता है, ऐसा साइट में आप आपका यूपीआईडी को जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपको यूपीआई क्या है, कैसे बनाते हैं उसका आईडी आपको नहीं पता, तो इस वीडियो का नीचे कमेंट करके बता देना, तो मैं यूपीआई रिलेटेड एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगा, नहीं तो अगर इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा तो इस वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सेम टू सेम आज को ओनली यही बता दूंगा कि यूपीआई में आप किस तरह से मॉल 91 का विड्रो कर सकते हो। सो फ्रेंड, इस वीडियो को एंड तक देखते रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कम से कम 30 लाइक्स इस वीडियो में करना ही होगा। उसके साथ साथ आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे बहुत सारा मैं अर्निंग एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी सभी का लिंक आप इंस्टॉल कर लीजिए एप्लीकेशन को, एंड उस एप्लीकेशन को यूज कैसे करोगी उसका भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि मॉल 90 अलावा भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारा प्रोसेस है, आप बोल सकते हो रीसेलिंग बिजनेस है, एप्लीकेशन मार्केटिंग है, एंड सबका ऊपर वीडियो ऑलरेडी बहुत सारा अपलोड इस चैनल पे कर दिया था, एंड सभी का वीडियो का एक अलग अलग मैं प्लेलिस्ट बना दिया था, जो प्लेलिस्ट को इस वीडियो का एंड में आपको बता ऐड कर दूंगा। सो फ्रेंड, इस वीडियो को स्किप ना करे, वीडियो एंड तक देखते रहे, एंड एंड में देखोगी लास्ट 20 सेकंड में देखोगी चारों कन्नड़ में चार प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, उस प्लेलिस्ट को चेक करके पूरा की पूरा नॉलेज ले सकते हो। और साथ में अभी के अभी चैनल को रेड बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी को दबा दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड, सीख लेते हैं आज का वीडियो, मैं हूं जॉय, आप देखते रहो स्मार्ट वर्क। फ्रेंड, मैं एक नया आईडी को ओपन कर लिया था, तो देख सकते हो यहाँ पे जो विड्रॉल अवेलेबल बैलेंस है 55 रुपीज़, ठीक है 55 रुपये से, एक्टिव मेंबर 70 है, और टोटल विड्रॉ मैं कर लिया था 43 रुपीज़। तो
अभी मुझे 55 विड्रो करना है, इसलिए विड्रो मनी जो लिखा है ब्लू कलर के यहाँ पे मुझे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा एंटर विड्रो अमाउंट, तो मुझे वॉलेट 55 रुपीज़ है तो मैं डाल दिया था। उसके बाद सिलेक्शन करूँगा UPI, तो UPI सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछेगा एंटर योर UPI ID, तो मेरा जो UPI ID है मैं उसको मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे सबमिट में क्लिक करना है, ठीक है, तो थोड़ा वेट करो। 9593484808@YVL, सॉरी YVL, तो फ्रेंड देख सकते हो मेरा जो UPI ID मैं दे दिया था। उसके बाद सबमिट में क्लिक करना है। आज पूछेगा पासवर्ड, तो मेरा जो पासवर्ड मैं हाइड कर देता हूँ एंड उसके बाद सबमिट में क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपके पास पासवर्ड नहीं तो पहले पासवर्ड सेटअप करना है एंड सबमिट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे टॉप अप आ गया था, विदड्रॉल रिक्वेस्ट रिसीव सक्सेसफुली एंड इट विल बी विद इन वर्किंग 7 डेज। 7 डेज का अंदर ये सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको बैंक में मिल जाएगा। तो ये जो पेज है इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो मैं इस प्रूफ को मैं स्क्रीनशॉट भी ले लिया था। सो फ्रेंड आफ्टर 4 डेज मैं जब विड्रो किया था उसके साथ उसके बाद 4 दिन बाद मेरा इलाहाबाद से एक मैसेज आया था, देख सकते हो इलाहाबाद UPI वहाँ से मुझे मैसेज आया था, देख सकते हो UPI रेफरेंस नंबर 55 रुपीज क्रेडिट हुआ था। देख सकते हो डेट देख सकते हो 10 जनवरी 2020, ठीक है। तो मैं आपको एप्लीकेशन का अंदर भी दिखा देता हूँ ये पैसा कैसे आपको चेक करना है। तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा Mall91 को, तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो टोटल विड्रॉ बैलेंस अभी हुआ था क्या कितना देख सकते हो 98 रुपीज़, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बता दिया था यहाँ पे था 43 रुपीज़, उसके बाद 55 ऐड हुआ था, तो मेरा टोटल विड्रॉल हुआ था 98 रुपीज़, जो मेरा एक नया अकाउंट है Mall91 का, ठीक है ना। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, 3 लाइन्स पे क्लिक करो। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है वॉलेट अर्निंग में, ठीक है। वॉलेट अर्निंग में जाओ देख सकते यहाँ पे देख सकते हो डेबिटेड अमाउंट 55 रुपीज़ विड्रॉल रिक्वेस्ट 10 जनवरी। तो मैं 4 दिन पहले जो विड्रॉ किया था UPI में 55 रुपीज़ जो मेरा अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। और यहाँ पे खास बात ये होता है UPI में कोई भी सर्विस चार्ज नहीं काटता है। तो पहला वीडियो में आपको बता देता पेटीएम में आपका इंस्टेंट पैसा आ जाएगा, तुरंत ही पेटीएम में पैसा आ जाता है, तो वहाँ पे आपका 4% सर्विस चार्ज लगता है। बट अगर UPI में विड्रॉ करोगी तो आपका कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, वहाँ पे 4 से 5 दिन टाइम लगता है, जैसे कि बताता कंपनी 7 वर्किंग डेज, बस 7 वर्किंग डेज से पहले हो जाता है। और पेटीएम में आपका मिनिमम विड्रॉल 3 रुपीज़, ओनली 3 रुपीज़, और UPI में आपका विड्रॉल अमाउंट 50 रुपीज़, ठीक है। तो यही इसका कंडीशन है। सो फ्रेंड आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप UPI में विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड कोई भी आपका Mall91 में कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इश्यूज या प्रॉब्लम है तो अभी के अभी वीडियो में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।